ये है जयपुर का फ्लैशबॉल, 7 इंच का फ्लैशबॉल। इसके साथ में हम देखेंगे आप क्या क्या निकलने वाला है। ये हो गया फ्लैशबॉल, ये हो गई इसकी प्लेट, और ये हो गया इसका बुश। सबसे पहले इसके साथ में एक ये रबड़ आती है, इसको यहाँ से फिट करके ये ऐसे निकला हुआ होता है, मतलब ये चकनेट हो गया इसका, ये इसमें इसमें ऐसे फंसा करके और इसको ऐसे इसमें चढ़ा दिया जाता है। इसको लगाने से पहले सबसे बढ़िया तरीका ये है, इस पर तीर बना हुआ होता है, आप ये नहीं कि ऐसे ही लगा दें इसको, ये लगेगा इस प्रकार से, ये साइड ऊपर की साइड जाएगी और ये साइड नीचे, ये वाला साइड में चला जाएगा, ये ऊपर से टैंक में इसमें पाइप जुड़ जाएगा यहाँ से। ये है हमारे पास 7x7 का एक एम्प्टी सॉकेट, ये हम इसको ऊपर से इस पर टेप लगा करके इसको ऐसे फिट कर देंगे यहाँ पर। ये हो गया हमारा, और ये हमारा नीचे आएगा एक, हमारे पास ये है 7x7 का एक एम्प्टी सॉकेट जो कि विरासत में है, इसको हम इस पर टेप लगा के इसको ऐसे चढ़ा देंगे। ये इस पर पूरा चढ़ गया है। एक बात आप ध्यान रख लें, ये पूरा ये इसका फ्लैश हो गया, इसको फ्लैश करेंगे तो ये यहाँ से नीचे से पानी गिरेगा, और इसको यहाँ से इधर को घुमा देंगे, राइट हैंड में घुमा देंगे तो ये मतलब क्लोज हो जाएगा, और ऑफ साइड में मतलब लेफ्ट साइड में घुमा देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। आपने समझ लिया, ये होगा एक बार दोबारा, ये हमारा तीर दिख रहा है, ये हमारा तीर नीचे को आ रहा है, ये इस प्रकार से यहाँ से लग जाएगा। इसकी हाइट में बता दूँ लगाने की, नीचे से 42 इंची से 45 इंची इसकी हाइट रखी जाती है। यह है इसका कटलॉक, आप चाहें तो इसको भी पढ़ करके बहुत ही आसानी के साथ इस फ्लैशबॉल को लगा सकते हैं। बाकी की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो इसकी डालेंगे, इसकी फिटिंग करते समय नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, उसमें आप बड़ी आसानी से आप सीख पाएंगे कि किस प्रकार से इसको लगाया जाता है। इसको उल्टा करके भी आप देख सकते हैं, इसमें इसके सारे पार्ट दिए रहते हैं, कौन सा कहाँ पर लग रहा है, कैसे क्या है, सब कुछ आप इसको पढ़ करके इसको समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और हमारे प्लम्बर हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।